हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर हमने आज जो है चूज किया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अब आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और इसे अच्छी तरह से देखिएगा, संभवतः ये क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। इसलिए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 1 upon a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x where a plus b is not equal to 0। ये जो कुछ लिखा जाता है a plus b is not equal to 0, मतलब a plus b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है, a plus b plus x और ये 1/x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में जो है सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, 1 upon a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b। एलसीएम लिया जाएगा, ये दोनों जो डिफरेंट डिफरेंट है तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एलसीएम, x * a + b + x, और ये x 1 से मल्टीप्लाइड होगा माइनस b से मल्टीप्लाइड होगा, a + b + x इक्वल टू राइट हैंड साइड में एलसीएम आप लेंगे ये हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी, बी को यहाँ मल्टीप्लाइड करिए, ए को यहाँ मल्टीप्लाइड करिए, बी प्लस ए, एक्स माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस है, माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन x * a, x * b और x * x2, इसको हम लिख सकते हैं x * a + b + x * x2 इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस ए और माइनस बी है, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन, ये हो गया x * a + b + x² इक्वल टू बी प्लस ए बाई ए बी। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम है, बस कैंसिल कर देंगे, वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 upon x a + b + x² इक्वल टू 1 upon a b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, इसका इसमें इंटू करेंगे तो x * a + b + x² इक्वल टू इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये माइनस ए बी होगा, ये हो गया x² + x a + b + ab = 0। ये हो गया आपका x² + ax + bx + ab = 0। x common x + a and b common x + a = 0। नेक्स्ट स्टेप में आइए, x + a कॉमन फैक्टर होगा आपका और सेकंड फैक्टर हो जाएगा x + b = 0। तो x + a = 0, देन x = -a, सेकंड है x + b = 0, x = -a। दो वैल्यू होगी x की, x = -a, x = -b। ये आपका सोलूशन हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोलूशन x = -a and -b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन है, प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर बाय द यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। क्वेश्चन ये है कि 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए एक प्लेन को जो है एक्चुअल टाइम पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर उसे जो है स्पीड को बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है प्लेन जो है 30 मिनट जो है लेट चली थी अपने शेड्यूल टाइम से जो है, तो शेड्यूल टाइम से 30 मिनट पहले चली है
उस 30 मिनट को कवर करने के लिए उसके स्पीड को बढ़ाना पड़ा है 250 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बढ़ाने के लिए जो है आपका पूछ रहा है कि किस स्पीड में था वो कि 250 किलोमीटर और पर आवर जो और स्पीड बढ़ाया गया। क्वेश्चन में क्या चीज़ लेट करना है ये देखिए, आपको यहाँ डिस्टेंस दिया है, स्पीड लेट कर लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, टाइम होता है, और टाइम का ही डिफरेंस निकालना है। 30 मिनट का डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, लेट स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड क्या है इसका, एक्स किलोमीटर पर आवर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आइए, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और एक्चुअल टाइम पर जो शेड्यूल टाइम है उस पर पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन पर जो है 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड को क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज करेगा तो स्पीड जब बढ़ जाती है तो 1500 किलोमीटर कवर करने के लिए जो टाइम होगा जो है वो जो है कम लाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250, ये स्पीड बढ़ गया। जब स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम जो है कम हो जाएगा और ये टाइम जो है पहले ज़्यादा था। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट, जिसको हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 1500 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा एक्स प्लस 250 और ये 1500 एक्स से मल्टीप्लाइड हो जाएगा अपॉन एक्स इंटू दिस एक्स इंटू एक्स प्लस 250 और ये इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड करिए 1500 एक्स प्लस 15 5 = 75 15 2 = 37 37 and 3 0s minus 1500 x divided by x square plus 250 x is equal to 1/2। ये कैंसिल हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इससे मल्टीप्लाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इंटू 1, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इक्वल टू 2 से इसे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 5 = 10 2 7 = 14 15 5 1 2 3 = 6 1 7 और ये 3 × 0। लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 750 एंड 000 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या है, 250 लाना है और हमें यहाँ दिख रहा है 750 और 1000 1000 और 750 का फैक्टर 1000 और 750 प्लस है तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। ये मिडिल टर्म फैक्टर है जो ये क्लास 9 में आपको बताया गया होगा, 750 एक्स माइनस 750 एंड 000 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन एक्स प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन एक्स प्लस 1000, सो कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 1000 एंड सेकेंड एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमारे पास आ गए, दो फैक्टर हैं एक्स प्लस 1000 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस 1000। इसको लिखा जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड पार्ट है, सिंस एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर, तो यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगा आपका ऑफ प्लेन इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर।
ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइंड के सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट। ये आपका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि जो है और जो है मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 दिख रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके रियल रूट के लिए क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। कंपेयरिंग करेंगे इसको, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या हो गया 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन पर, फॉर रियल रूट्स नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर रियल रूट जो होता है, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। अब डी की वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू क्या है, के ए स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी की वैल्यू 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 और k इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 8। अब इसके बाद यहाँ डायरेक्ट आ गया, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ देख लीजिए आपका, सिंस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a और x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस a। इस बेसिस पर ये डायरेक्ट हमने लिख दिया, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और के इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन दिया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। Determine the AP and 12th term. इस AP का जो है 12th term पता करिए, AP पता करिए, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया गया है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया गया है तो हमें n टर्म निकालना बहुत जरूरी है। n टर्म क्या होगा, एक फार्मूला है an is equal to sn minus sn minus 1। इससे टर्म का फार्मूला निकल जाएगा, ये सम का फार्मूला हो गया है। अगर हम इसमें एन की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, सपोज एन की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो 3 स्क्वायर 9, 3 या 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वो एस थ्री कहलाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों का एडिशन जो है यहाँ वैल्यू आएगा एस थ्री जो है। लेकिन हमें लाना क्या है, ए एन, ए एन लाएंगे तभी डिटरमाइन होगा ए पी जो है आपका कि कैसे निकल। अब एस एन माइनस एस एन माइनस 1 क्या होता है, एस एन का मतलब होता है कि फर्स्ट एन टर्म का सम है, स्टार्टिंग से एन टर्म तक का सम है, और एन माइनस 1 क्या है, उससे एक कम का सम है। इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए। सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 10, इनका सम निकालोगे क्या आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब हम इसको लिखते हैं एस टेन इज इक्वल टू 55। और सपोज हमको केवल 9 तक ऐड करना है तो n माइनस 1 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये 10 है n माइनस 1, ये sn हो गया n माइनस 1, एक टर्म पीछे तक का सम निकालोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ऐड निकालोगे, एडिशन निकालोगे, तो s 9 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो s 10 माइनस s 9 की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। s 10 की वैल्यू ये है, s 9 की वैल्यू ये है, और ये जो वैल्यू आ रहा है किसका बता रहा है, ए 10 की वैल्यू बता रहा है, मतलब 10वें टर्म को बता रहा है कि 10th टर्म की वैल्यू ये आ रही है। कैसे आ रही है, एस 10 में से एस 9 को माइनस करने के बाद। सेम इसी तरह से एन टर्म निकालना होगा तो एस एन टर्म निकालेंगे, उसमें से उससे एक टर्म पीछे वाला माइनस कर लेंगे। आइए ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एस एन, एस एन की वैल्यू दिया गया आपको 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस एस एन माइनस 1, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n माइनस 1 रख देंगे। एस एन की वैल्यू ये है, n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे,
3 into n minus 1 square minus 4 माइनस फोर एन एन की प्लेस पर एन माइनस वन, ये हो गया आपको। ये सॉल्व करिए, थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस, और ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और ये हो गया माइनस फोर एन प्लस फोर। आगे बढ़िए, थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस, ये मल्टीप्लाइड करिए इसमें, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सिक्स एन माइनस फोर एन प्लस फोर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सिक्स एन प्लस फोर एन माइनस फोर। थ्री एन स्क्वायर थ्री एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस फोर एन और प्लस फोर एन कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस थ्री या माइनस फोर। देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस फोर एन प्लस वन फोर एन कैंसिल, सिक्स एन माइनस सेवन हो जाएगा, सिक्स एन माइनस सेवन। ये वैल्यू है ए एन की, आपका ए पी का एन टर्म निकल गया है। अब इसमें एन की वैल्यू वन टू थ्री पुट करेंगे तो हमारा ए पी निकलते जाएगा, तो ए वन इक्वल टू क्या होगा, सिक्स इंटू वन माइनस सेवन, ये कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस सेवन माइनस वन, फर्स्ट टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म क्या होगा, सिक्स इंटू टू, सिक्स इंटू टू, सिक्स इंटू टू माइनस सेवन, ये हो जाएगा आपका ट्वेल्व माइनस सेवन, ये आपका हो गया फाइव सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, एक एन की वैल्यू थ्री पुट करिए, सिक्स इंटू थ्री माइनस सेवन एटीन माइनस सेवन दैट इज एलेवन, ये आपका माइनस वन फाइव एलेवन। ए पी क्या हो गया, माइनस वन फाइव एलेवन डॉट डॉट, इसी में आपको आपका ट्वेल्थ टर्म चाहिए, ट्वेल्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे, ए ट्वेल्व लिखेंगे इसमें, इसमें क्या लिखेंगे, ए एन टर्म आ गया, कोई भी टर्म निकल जाएगा, ए ट्वेल्व निकाल दीजिए, सिक्स इंटू ट्वेल्व माइनस सेवन, ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू माइनस सेवन फाइव सिक्सटी फाइव, ए ट्वेल्व की वैल्यू कितना हो गया, सिक्सटी फाइव। जो क्वेश्चन में दिया गया कि डिटरमाइन द ए पी, ए पी हमने निकाल दिया है माइनस वन फाइव एलेवन, ये हो गया आपका ए पी, और ट्वेल्थ टर्म ये हो गया सिक्सटी फाइव। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ है, इसे हटा दिया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल क्वेश्चन ही आता है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सबसे जो ट्रिक यहीं पर है, ए एन इजकल टू एस एन माइनस वन से आप वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी टर्म रखेंगे वो आपका टर्म बताएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व द इक्वेशन है, इक्वेशन तो सॉल्व करना है भले, लेकिन ये ए पी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या है, एक्स है 287, एन टर्म तक जो है एन की जगह एक्स यूज करेंगे हम, और पूरे का सम जो है किस कितना आ रहा है, इस ए पी का सम कितना आ रहा है 287, तो ए पी का ही यूज करेंगे। चलिए वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन प्लस डॉट डॉट एक्स इजकल टू 287। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, वन, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, फोर माइनस वन इजकल टू थ्री, फोर माइनस वन इजकल टू थ्री, एस एन इजकल टू 287, तो एस एन इजकल टू क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की प्लेस पर 287 पुट करिए, जो सम दिया गया, एन की प्लेस पर एक्स रखिए, एक्स टर्म्स है 2a, a की वैल्यू 1 है, 2a इंटू वन प्लस n, n की प्लेस पर x रखिए, माइनस वन d, d की वैल्यू 3, 3 यूज करेंगे, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 574 हो गया, ये इजकल टू x 2 प्लस 3x माइनस 3x
3x minus 1, x multiplied 3x square minus x, और ये आपका हो जाएगा 574 लेफ्ट साइड में। सारी वैल्यू जो है सबको लेफ्ट में ही लेकर आइए, तो वन साइडेड कर दीजिए इसको, इनको उधर भेज देंगे, 3x square minus x minus ही हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगा 3x square minus x minus 574 is equal to 0। इसका फैक्टर करेंगे 574 और 3 का, 574 का फैक्टर और 3 का, देख लीजिए इधर 574 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है और ये 7 से फिर डिवाइड हो रहा है, 41 और 14 हो रहा है, और एक 3 भी है मल्टीप्लाइड होता है इसमें, तो 14 3 जगह क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 41। 42 और 41 में से माइनस कर देंगे, 1 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे 3x square minus 42x plus 41x minus 574 is equal to 0, 3x common x minus 14 plus 41 common लेंगे तो x minus 14 is equal to 0, ये हो जाएगा x minus 14 और ये हो जाएगा 3x plus 41 equal to 0। आइए फैक्टर सॉल्व किया जाए, कितना हो रहा है ये देखिए, 14 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 14, एक वैल्यू ये हो गया। सेकंड है 3x प्लस 41 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 41, x is equal to minus 41 by 3। नंबर ऑफ टर्म जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, x क्या है यहाँ क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म जो हमेशा जो है नेचुरल नंबर में ही आने चाहिए, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आपका आंसर हो गया x is equal to 14, तो x is equal to 14 ये आपका आंसर हो गया।